तो देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है भुसावल का बैच 7 कार्डो को मटेरियल। चल आप लोग का हम अंकित वापस से आपको एक न्यू ट्रेन जर्नी पर लेके चलते हैं और आज आपका भाई का ट्रेन जर्नी होने वाला है 032-38 फतुहा हिलसा मेमो ट्रेन में। तो भाई साहब इस ट्रेन की बात करें तो ये अभी 2 दिन हुआ है, इसके 2 दिन पहले यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र जी यहाँ पर आकर इसको इनॉग्रल रनिंग की है। तो चलिए आज इसको यहाँ से लेकर चलते हैं आपको एक न्यू ट्रेन जर्नी पर और न्यू ट्रेन पर। तो पहला बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करिएगा, इसी तरह अगर आपको ट्रेन जर्नी देखना। तो भाई साहब इस रूट का इस न्यू ट्रेन देख सकते हैं सिग्नल हो चुकी है और अपनी ट्रेन की यहाँ से हो रही है डिपार्चर। तो देख सकते हैं बिहार हिलसा से फतुहा के लिए न्यू मेमो ट्रेन जो देख सकते हैं ये चालू हो चुकी है। तो इसका टाइमिंग की बात करें तो समझ सकते हैं इसका टाइमिंग है फतुहा से 1 बजे और उधर से 3 बजे, तो समझ सकते हैं दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, मतलब कि लगभग 50 मिनट का ट्रेन जर्नी होने वाला है और करीब करीब 10 होल्ट के साथ चल रही है। तो समझ सकते हैं, तो देख सकते हैं आप पूरा टोटल ट्रेन ही खाली है और ये फर्स्ट रनिंग कर रही है, इस वजह से लोगों को पता नहीं है कि कितना बजे जाती है। तो भाई बता दे कि ये फतुहा से 1 बजे खुलती है और हिलसा से ये उधर से 3 बजे, जो कि आप इस ट्रेन से बक्सर तक सफ़र कर सकते हैं, समझ गए ना। तो अपना जो पुराना वाला ट्रेन था ना बक्सर हिलसा मेमो डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी, वही ट्रेन को फिर से चालू कर दिया गया, आप मान के चल सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नजर आया, वो साइड से गाड़ी ये साइड से ट्रेन और क्या मस्ती है, मजाक कर बता जाए। तो ये कार को पीछे करेगी ट्रेन की नहीं करेगी, जो देखते हैं। और वो इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आ चुका है, ये पहला होल्ट है इस ट्रेन का, ये पहला ऑफिशियली होल्ट है जो कि आप देख सकते हैं गोकुल नगर होल्ट, लेकिन वो होल्ट जैसा कुछ लगता उतना ना है। करीब करीब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके फतुहा से हम लोग आ चुके हैं मच्छरियामा, और मच्छरियामा हॉल्ट है तो ये नीचे ही है, देख सकते हैं आप, तो यही हॉल्ट है और वहीं हॉल्ट है, लेकिन इंजन के पास में हम सफ़र कर रहे हैं इस वजह से आगे पड़ जाती है। साथ टोटल ट्रेन ही है जो कि खाली है, देख सकते हैं, क्योंकि आज दो दिन पहले इनॉग्रल ही हुआ इस ट्रेन का और लोगों को पता ही नहीं होगा कि कैसा ट्रेन है। तो देख सकते हैं टोटल ट्रेन खाली है, लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेन चलती है भी कि नहीं चलती है, तो समझ सकते हैं कितना ट्रेन डगमगा डोल डोल हो रही है। तो आज पहली बार ऐसा है कि आपको गाड़ी का रूट भी देखने को मिलेगा और ट्रेन का भी रूट देखने को मिलेगा, तो हमको ख्याल से ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बाद उतना ट्रेन चलती नहीं है, पैसेंजर लोग को पता होने पर ही चलेगी ना, इसलिए अभी इसमें किसी को टाइमिंग पता नहीं है, इस वजह से लोग नहीं जानते हैं, इस वजह से ये नहीं चल रहे, इसमें लोग नहीं चढ़ रहे हैं। जिस दिन से ये इसमें लोगों को पता लग जाएगा ना कि 1 बजे एक और ट्रेन खुली है, तो पूरा ट्रेन में गंगा स्नान करने के बाद भीड़ जाएगा भाई, क्योंकि इससे मस्त ट्रेन हमको नहीं लगता कि 7 बजे के बाद आप गंगा स्नान करने के बाद आप कोई ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये ट्रेन मस्त है, आप गंगा स्नान करिए।
देख सकते हैं ट्रेन की अराइवल हो चुकी है दंगामा बाजार। दस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं दनियामा बाजार, जिसका स्टेशन कोड होता है DWA। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो मेन लाइन है भाई, और ये दनियामा बाजार है ना जो ये मार्केट में पड़ती है, इस वजह से हॉल्ट है। लेकिन दनियामा जंक्शन है जो कि आगे 2 किलोमीटर है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ से हो रही है डिपार्चर दनियामा बाजार से, तो देख सकते हैं अपनी ट्रेन की अराइवल हुई है दनियामा जंक्शन पे। जंक्शन और काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है दनियामा जंक्शन, देख सकते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं हम दनियामा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड होता है DWA। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 3 है, और यहाँ पर लगभग 6 ट्रेन आकर डेली हॉल्ट करती है। और दनियामा जंक्शन पॉइंट इसलिए होती है क्योंकि अभी प्रेजेंट में एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बिहार शरीफ की ओर, एक लाइन हो गई इस्लामपुर पटना मेन लाइन, तो इस वजह से एक जंक्शन पॉइंट होती है। लेकिन एक और रूट निकल रही है जो कि अभी हमको मालूम नहीं है कहाँ का है रूट, पता है आपको वो वाला रूट कहाँ निकल रही है? हाँ, तो मसौढ़ी निकल रही है भैया बता रहे। तो चलिए अपनी ट्रेन के हो चुके हैं सिग्नल, तो मिलते हैं आपको इसका अगला स्टॉपेज। तो समझ सकते हैं इस रूट में यहाँ से 3 रूट निकलने वाला है, एक मसौढ़ी निकलने वाला है, एक इधर निकल जाएगी भिलसा इस्लामपुर, और एक निकल जाएगी दनियामा, तो इस वजह से ये एक जंक्शन पॉइंट होता है। तो समझ सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है दनियामा जंक्शन। हो चुकी है अपनी ट्रेन के यहाँ से रिपार्ट है दनियामा जंक्शन से, देख सकते हैं। देख सकते हैं अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है सिगरियामा बाजार। लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं सिगरियामा, जिसका स्टेशन कोड होता है SW22Z। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 2 है। यहाँ पर लगभग 3 ट्रेन आकर डेली हॉल्ट करती है, और यहाँ पर यह है ना कि जो अपना अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है ना, उसका एक लूप लाइन बना हुआ है और कुछ नहीं है। तो चलिए अब आपको इसका अगला स्टॉपेज कमता हॉल्ट पर मिलते हैं। यह है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, जो कि देख सकते हैं यही है, और इसी का एक लूप लाइन वहाँ पर उपलब्ध है। लगभग 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँच चुके हैं दनियामा हॉल्ट, और भाई साहब फिर से हम आपको बता दें इसका टाइमिंग है, न्यू इनॉग्रल रनिंग हुआ इस ट्रेन का, तो आपको ये 1 बजे फतुहा जंक्शन से मिलेगी, और ये फिर से डिपार्चर टाइम 3 बजे है हिलसा से। तो हिलसा से आप इससे बक्सर तक के ट्रेवल कर सकते हैं, बस नंबर चेंज कर दिया जाता है और कुछ नहीं। तो चलिए अपनी ट्रेन की हो चुकी है दनियामा हॉल्ट से डिपार्चर। हाँ भाई, कोरमंडल एक्सप्रेस में घटना होने वाले जितने भी जो थे उनको हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत बुरा हुआ उन लोगों के लिए जो अपने घर जा रहे थे, कोई अपने किन्हीं को शादी होने वाला था, किन्हीं को शादी हो गया था, तो तमाम उन सभी के लिए दिल से भाई जय श्री राम। और जो भी हुआ आप लोग के लिए बहुत बुरा हुआ, जो ख़त्म हो मतलब कि जिनका मौत हो गया मतलब उनके लिए और बुरा हुआ। तो ऐसे ऐसे इंसान के लिए जो जिनको पता भी नहीं था, कुछ ऐसा लफ्ज भी नहीं है जो कि मेरे मुंह से निकल रहा, हम क्या बोले नहीं बोले हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तमाम सभी को कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा, जो जितना भयावह स्थिति हम देख लिए हैं उतना भयंकर स्थिति हम देखे नहीं थे कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट को, तो मुंह से बात ही नहीं निकल रहा।
तो तमाम सभी के लिए दिल से जय श्री राम इतना ही हम बोल सकते हैं, और भगवान आपके आत्मा को शांति दे, और जो भी आपका परिवार हो उनको इस दुख की घड़ी में थोड़ा भगवान आपको हिम्मत दे, यही तो हम कह सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं हिलसा रेलवे स्टेशन। तो बात करें हिलसा की तो इसका स्टेशन कोड होता है HIL, नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें तो 2 है। यहाँ पे 8 ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है, और भाई साहब यहाँ से एक ट्रेन है जो डेली ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। तो चलिए मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार अपने भाई के साथ ट्रेन जर्नी करते रहिए। सी यू सून, टेक केयर, बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर कभी और नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक के लिए बाय।